हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरी आज के इस साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से मानसिक परेशानियों का इलाज आज आसान और सस्ता हो चुका है। आज का वीडियो भी ऑनलाइन काउंसलिंग सीरीज का ही हिस्सा है। आज के वीडियो में हम एक थेरेपी के बारे में जानने वाले हैं। आप उसे अक्सर पूछते हैं, सर आप जोधपुरिया जी आप वीडियोज में मानसिक परेशानी के बारे में बता देते हो, आप लक्षणों के बारे में बता देते हो, आप कारणों के बारे में बता देते हो, आप इलाज के बारे में बता देते हो, आप हमें ये भी बताया करें कि हम कुछ फायदा कैसे खुद कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो सिर्फ एक थेरेपी का अंश मात्र है। आप अगर इस टेक्निक को यूज कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर यूज ना कर पाए तो आप मुझे ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं, मुझसे आप बात कर सकते हैं। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोच के ऊपर सोचना, हम इस वक्त सोच क्या रहे हैं उसके विषय में सोचना। हम दिन भर सोचते रहते हैं, मन में ख्याल आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं। एक सामान्य इंसान के मन में 24 घंटे में 60,000 के करीब थॉट आते हैं। उन थॉट्स के विषय में हम कितना जानते हैं? क्या हम खुद के विचारों के प्रति अवेयर हैं? क्या हम सुन पाते हैं कि मेरे मन में अभी रिकॉर्डिंग क्या बज रही है, मेरी सेल्फ टॉक कैसी है, सेल्फ सजेशन कैसी है, ऑटो सजेशन कैसी है, मैं खुद से बात किस तरह की कर रहा हूँ? What are you saying about yourself? आप अपने आप को कहते क्या हैं? आप अपने आप से बात क्या करते हैं? आपकी सेल्फ टॉक रहती कैसी है? इसके बारे में अवेयर हो जाएं। जो भी थिंकिंग आपके मन में चल रही है, जो भी विचार चल रहा है, उसके विषय में सोचें। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोच के ऊपर सोचना कि मैं इस वक्त सोच क्या रहा हूँ, मेरे अंदर इस वक्त सोच क्या चल रही है। अगर आप अपने विचारों के प्रति अवेयर होते हैं तो विचार आप चाहकर अपने अंदर डाल पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस वक्त सोच क्या रहा हूँ। उन विचारों की फ्रिक्वेंसी को आप पकड़ पाएंगे, फिर फ्रिक्वेंसी को धीरे धीरे बदल भी पाएंगे। ये हो ट्रेनिंग में ही पाता है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद थिंकिंग अबाउट थिंकिंग के विषय में सोचते हैं, अपनी सोच के ऊपर सोचते हैं, सोच के ऊपर नज़र रखते हैं, अपने सेल्फ टॉक पर नज़र रखते हैं, तो आपको इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। अगर आप इस चीज़ को अप्लाई ना कर पाएं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की मदद ले सकते हैं, आप किसी अन्य काउंसलर से बात कर सकते हैं। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग के कंसेप्ट को क्लियरिटी से समझ सकते हैं। कुछ देर के लिए बस शांत होकर के बैठ जाइए, अपनी ज्ञानेंद्रियों को देखें कि मेरे अंदर इस वक्त चल क्या रहा है। बस अपने आप को सुनना है, जो आपके अंदर सोच विचार चल रहा है उसको सुनना है। उसमें जो इसमें जो रिकॉर्डिंग बज रही है, जो टेप रिकॉर्डिंग की तरह विचार चल रहे हैं, उनको सुनना है। जैसे जैसे विचारों को सुनते जाएंगे, विचार शांत होते जाएंगे, विचारों की फ्रिक्वेंसी बदलती जाएगी। ये अभ्यास एक मिनट तक किया जा सकता है। इसकी ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है, जो ट्रेनिंग में बखूबी सिखाया जाता है। ये आज का वीडियो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के एक पार्ट्स के बारे में था। आप अन्य साइकोथेरेपीज को सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आज मानसिक रोगी के लिए ही थेरेपी का ज्ञान होना जरूरी है। एक सामान्य इंसान भी इन थेरेपी को सीखकर अपनी लाइफ को और अधिक बेटर वे से जी सकता है, और अधिक खूबसूरती के साथ जीवन का निर्वाह कर सकता है। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी है, द पावर ऑफ नाउ, माइंडफुलनेस थेरेपी है, श्रीमद् भागवत गीता के अंदर जो साइकोलॉजिकली रहस्य छिपे हुए हैं, एक महान काउंसलर साइकोलॉजिस्ट श्री कृष्णा, जिसने एक मानसिक रोगी, एक डिप्रेशन से घिरे हुए इंसान, एक गिल्टी फीलिंग से घिरे हुए इंसान, एंग्जाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित इंसान अर्जुन को काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के द्वारा किस प्रकार बाहर निकाला। क्योंकि गीता एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की गाइड बुक है, जो तमाम चिंताओं परेशानियों को हरने वाली है। उसके विषय में आप मुझसे जान सकते हैं कि साइकोलॉजिकली वो हमारे जीवन को किस तरह से
बदल सकती है। आप ऑनलाइन मुझसे बात कर सकते हैं, चूक न जाना ऑनलाइन मुझे अपने मन की बात बताना। अगर आप अपने मन की बात बताने की जिम्मेवारी लेते हैं, एक फोन कॉल करने की जिम्मेवारी लेते हैं, आपकी परेशानियों और चिंताओं को हल करने का रास्ता बताना, उनको हल करने के लिए थेरेपी बताना मेरी जिम्मेवारी है। आप अपनी जिम्मेवारी लीजिए, एक अन्य जिम्मेवारी आप बखूबी निभा सकते हैं, वो है इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों, मित्रों, बंधुओं तक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका किया गया एक शेयर किसी की जिंदगी में नया सवेरा ला सकता है, उसकी जिंदगी को नया मोड़ दे सकता है, वो जिंदगी में नए आयाम को छू सकता है। आप इन वीडियोस को शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ आपके आसपास के लोग भी इनसे लाभान्वित होंगे। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में थेरेपीज जिनके माध्यम से हम अपनी जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, उनके विषय में डिटेल से बताने वाला हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक कोई भी वीडियो बिना किसी बाधा के पहुंच पाए। आप इन वीडियोस के लिए टाइम निकालते हैं और मुझे ये भी बताते हैं कि आप नेक्स्ट कौन से मानसिक रोग पर वीडियो चाहते हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।